सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी हमें विश्वास नहीं होता क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। जब हम पहला तिमोथियस 2:5-6 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सब अधर्मों को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया है और अब हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से परमेश्वर से बात कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप अपने परिवार के लोगों से बातें करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने मित्र से बात करते हैं, उसी प्रकार से आपको प्रभु यीशु मसीह से बात करनी है, परमेश्वर से बात करनी है और अपनी परेशानियों को बताना है। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। अब आपको दूसरा काम क्या करना है प्रार्थना में, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, कोई भी परेशानियां हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करनी है। बाइबल बताती है जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:14-15 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कई बार क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। बाइबल बताती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उनकी बातों को, उनके वचन में लिखी हुई आज्ञाओं को आप मानोगे, तभी परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वे आपको देंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मैं आपको तीसरी बात बताऊंगा कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि साफ हृदय से प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। जब हम भजन संहिता 66:18-20 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। परमेश्वर का वचन बताता है जब हम लालची होकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। यदि हम अपने साफ हृदय से परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों के लिए ही सिर्फ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रार्थना करते समय इस बात को हमेशा याद रखें कि जब कभी आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 21:22 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।